यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। मेरी आपके लिए बेतहाशा मोहब्बत को आपके इस वहम ने खा लिया और आपसे तो दूर खुद अपनी नजरों में भी हकीर कर दिया कि जिस शख्स के लिए सर से पांव तक बदल गई वो तो मेरा था ही नहीं। अब जीना नहीं चाहती हूँ। इतना बड़ा दुख सहने के बाद अब मुझ में जिंदा रहने का हौसला नहीं रहा है। सब कुछ खत्म हो गया। मान मोहब्बत एतबार कुछ भी तो नहीं रहा है मेरे पास। अब जिंदा रहना ही नहीं चाहती। हम गाड़ी तक पहुंच गए, होपफुली उनका भी पता चल जाएगा। कहां से मिली गाड़ी? और मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूं। मैं भी आ रहा हूं। बाय। सर, यहां से चादर भी मिली है मेरी टीम। ये तो अंदलीप की शॉल है। मुझे खुदकुशी का केस लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जफा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अंदलीप जैसे ही पहाड़ी से नीचे गिरेगी तो वहाँ पर कुछ लोग मौजूद होंगे जो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाएंगे। अंदलीप की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और वो उन्हें ICU में शिफ्ट कर देंगे। काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद जब डॉक्टर्स बाहर निकलेंगे तो अंदलीप के घर वालों के बारे में पूछेंगे तो डॉक्टर्स को बताया जाएगा कि ये हमें पहाड़ी से गिरी हुई मिली, हम इनके नहीं जानते। डॉक्टर उन्हें कह देगा कि ये कोमा में जा चुकी है। व्यूअर, जब ये दूसरी तरफ पुलिस को अंदलीप की गाड़ी और चादर मिल जाएगी लेकिन अंदलीप का कोई पता नहीं चलेगा और पुलिस भी अंदलीप के घर वालों को बता देगी कि ये सुसाइड केस है, इससे अंदलीप के वालदेन बहुत ज़्यादा रोने लग जाएंगे। जबकि नुमैर को भी दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होगा कि मेरी इस नादानी की वजह से अंदलीप ने खुदकुशी की है। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि अंदलीप अपने घर वालों को कब तक मिलती है। कमेंट में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा।